6 फेरे संपन्न हुए, अब सातवां और अंतिम फेरा होगा। इसके बाद आप दोनों जन्म जन्मांतर के लिए पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध जाओगे। ये इतने नीचे गिर सकती है छोकरी? गन लेकर आ गई? ए, मेरी अगर दहलीज भी तूने। बस बाप, वहीं रुक जाइए। ये सब करने पर मुझे आप लोगों ने ही मजबूर किया। मैंने सच बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं समझी। इस धोखेबाज से नक्श को बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इसकी बात मत सुनिए गब्बा, ये कुछ नहीं कर पाएगी। बस बस सातवां फेरा बचा है, दक्षम फेरे ले लेते हैं। और वैसे भी क्या कर लेगी? गोली मारेगी मुझे। मार मार मुझे गोली। चुप हो जाओ रिमझिम, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए किसी और की जान ले। जान तो मैं अपनी लूंगी। बाकी बाकी इतना सब कुछ करने के बाद ऐसे मजबूर करोगी मुझे? मैं सही कर रही हूँ या गलत, इसका फैसला तुम बाद में करना। लेकिन अभी तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं। या तो रिमझिम के साथ सातवां फेरा लो और मेरी मौत देखो, या फिर अगर तुमने कभी भी मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो मेरे साथ सात फेरे लो। बोलो नक्श, क्या फैसला है तुम्हारा? ए छोकरी, तू मेरे चौखट पर जान दे देगी और मरने के बाद हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाएगी? नहीं, मैं रिमझिम की तरह झूठी चिट्ठी लिखने की बजाय अपने साथ ये अपनी सच्ची चिट्ठी लेके आई हूं। और इसमें यह लिखा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। अगर नक्श रिमझिम से शादी करता है तब भी मेरी मौत से कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो बस ये देखना है कि नक्श क्या फैसला लेता है। इसकी बात मत सुनो नक्श, ये जान नहीं देने वाली। बोलो नक्श, क्या फैसला है तुम्हारा? नक्श बोलो, वरना मैं खुद को गोली मार लूंगी। बोलो नक्श, तुम्हें बोलना पड़ेगा वरना आज मैं अपनी जान दे दूंगी। हमारा गठबंधन करो, पंडित जी यहाँ आइए, मंत्र पढ़िए। बड़ा तू ये तो नहीं समझेगी आई, जितना बोल रही हूँ बस उतना कर।
पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। फेरे आरंभ करिए। पाखी, हम लोगों ने इस घर को बेच दिया है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पाकी जोशी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा कर रहा हूँ। क्या तुम मेरा साथ जिंदगी भर निभाओगी, मुझसे शादी करोगी पाकी? चुन लिया ने तेरे दिल, तुमने अपने चाचा जी से आवाज बदल के बात नहीं की थी क्या? इन्हें अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाया? इसकी आदत है ऐसे खेल खेलना पैसे की खातिर। चार फेरे संपन्न हुए, अब अंतिम के तीन फेरों में कन्या आगे चलेगी। तू जो मेरे नाल तुरे था, तुरे पे मेरी आसा। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे और नक्श को अकेला छोड़ दो, मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो चढ़ा दी मैंने अपनी बहन की बलि। वो सब तुम्हें धोखा दे रहा है नक्श, मैं सच बोल रही हूँ ना तुमसे, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका तो दो। पंडित जी सिंदूर।
इसके साथ ही विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों समाज की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में पति पत्नी हुए। मुझे माफ कर देना नक्श, यही एक रास्ता बचा था तुम्हें और हमारे परिवार को बचाने का। क्या जरूरत थी ऐसा कदम बढ़ाने की? भाई, मुझे माफ कर दे भाई, मुझे मुझे ये सब करना पड़ा और मैं जानती हूँ कि मुझसे यहाँ कोई भी खुश नहीं है, ना तुम और ना ही कोई और। मैं जानती हूं कि आप सब मुझसे नफरत करोगे, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार को बचाने के लिए किया है, वरना ये रिमझिम अब वाह बाप, क्या हुआ बाप? पानी ले, अशांत पानी लेके जल्दी जा। बाप बाप ठीक है बाप? ला पानी ले, बाप पानी ले। हाथ मत लगाना बाप को, उनका दिल दुखाया है, उन्होंने मुझे चुना था नक्श के लिए और तूने मुझसे मेरे नक्श को छीन लिया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिम दिम। दिम। आज मैं तेरा खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। रिमझिम, फेंक दे पिस्तौल। पिस्तौल फेंक दे रिमझिम। रिमझिम नहीं बा, इसने मुझसे मेरा सुहाग छीना है। मैं इसकी जान ले लूंगी। इसने मुझसे मेरा सुहाग छीना है, मैं इसकी जान ले लूंगी। इसकी जान लेने से कुछ नहीं होगा दिकरी। जिसे जो करना था वो कर गया। इस खानदान की नाक कटनी थी, कट गई।
अब बस बंद करो ये तमाशा। लाख चाहा कि तू मेरी बहू ना बने, पर इसने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरे पोते से शादी की, जिस ढंग से की, जैसे की, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पोते के साथ साथ फेरे लेकर अब ये नक्श की पत्नी है। ये हकीकत हम झुठला नहीं सकते, जानकर भी। तेरी तरह मैं भी इस लड़की को नहीं पसंद करती, ना कभी करूंगी। लेकिन नक्श ने इसके मांग में सिंदूर भरा है, इसके गले में मंगलसूत्र डाला है, पवित्र अग्नि के फेरे लिए है। अब हर रसम से ये इस घर की बहू है। अब हर रसम से ये इस घर की बहू है। नाम से बहू है तू इस घर की, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे स्वीकार लिया है। तुझे मुझसे कभी लाड़ दुलार नहीं मिलेगा। तू घर में रहेगी बहू के हैसियत से, पर कोई तुझसे रिश्ता नहीं निभाएगा पाखी। परिवार के प्यार को तरसेगी तू, अपनों के आशीर्वाद से बहू बनने में और जबरदस्ती गन के पॉइंट से बहू बनने में क्या फर्क है वो अब तुझे पता चलेगा। वो ना मैं तुझे